सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू के हमरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाह हरम गेट मुमताज़ाबाद कदीमी मस्जिद और शहर के दीगर अहम बारगाहों और जलूसों के रूट्स के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। एस पी सी टी हसन रजा खाकी, डी एस पी मुमताज़ाबाद सैयद अजहर रजा गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैमल मुश्ताक और दीगर अफसरान इस दौरान इनके हमरा थे। सीपीओ मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने इस मौके पर सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कंट्रोल रूम का भी विजिट किया जहां मजालिस और जलूसों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। सीपीओ मुल्तान ने लाइसेंस दारान और मजलिस और जलूसों के मुंतजमीन से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा अमन बरकरार रखने के लिए शहरी और जलूसों के मुंतजमीन अपना किरदार अदा करें। सीपीओ मुल्तान का इस मौके पर कहना था कि सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस की तरफ से तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं, अमन अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। सीपीओ मुल्तान सादिक अली ने मजीद कहा कि हसास इमाम बारगाहों और मजालिस पर इजाफी नफरी तैयनात की गई है। उन्होंने कहा मजालिस और जलूसों के शुरका को पुरअमन माहौल फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू ने कहा जिले इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जलूस रूट्स पर तजावजात का खात्मा करके सफाई का मिसाली इंतजाम किया जा रहा है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वासा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समेत तमाम इदारे मुतहरिक हैं।